बरेली के बहेड़ी में रिटायर दरोगा को लॉटरी जीतने का झांसा देकर खाते में 9,34,000 रुपए अज्ञात लोगों ने निकाल लिए। पीड़ित दरोगा ने बहेड़ी कोतवाली में अज्ञात के नाम से तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल बरेली के बहेड़ी के लोधीपुर निवासी पृथ्वीराज सिंह, जो कि पिछले साल में दिसंबर में दरोगा पद से रिटायर हुए थे, जिसमें उन्हें फंड का लाखों रुपए मिले थे, जिसको उन्होंने अपने बचत खाते में डाल दिया था। दो दिन पहले रिटायर दरोगा को मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आता है कि आपको लॉटरी में 1 करोड़ रुपए मिले हैं, कृपया करके अपना खाता संख्या देने का कष्ट करें। रिटायर दरोगा ने फोन वापस करके अपना खाता की जानकारी अज्ञात लोगों को दे दी, जिसके बाद उन अज्ञात लोगों ने उनके खाते में 2 दिन में 9,34,000 रुपए निकाल लिए। आज दोपहर में जब रिटायर दरोगा ने अपना मोबाइल चेक किया तो उन्हें ठगी की जानकारी हुई, तो उन्होंने बहेड़ी कोतवाली में जाकर तहरीर दे दी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल से उनका खाता बंद करवा दिया, जिसकी वजह से उनके खाते के और रुपए अज्ञात लोग नहीं निकाल सके। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली आए थे, वो पैसे निकल गए बैंक से। कितने? 9,40,000। कौन सी बैंक से? स्टेट बैंक से। कब निकले? कल 11 में और आज 12 में। किस तरीके से निकले, मतलब जालसाजी में किस तरीके से निकाले? जालसाजी में निकले, उन्होंने कहा पेंशन की तुम्हारी वो बना रहे हैं और जो तुम्हारी कमी हो रही है इस वजह से। मतलब आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, आप तो पुलिस में सामने। पुलिस में क्या पद पर है? ऐसा ही पद पर था, रिटायर हो गए। कहाँ के रहने वाले? लोधीपुर के। शाखा कौन सी थी जहाँ से निकले? कहाँ? बहेड़ी। तो आप पुलिस से शिकायत की आपने? मुकदमा लिखा है। बैंक कर्मियों क्या कहना है? अभी उनका कार संडे था, इसलिए कोई मिल ही नहीं था। काफ़ी मोटी रकम निकालने की बात सामने आ रही है। अभी थाने पर आए हुए थे, जो अभी 31/12/19 को एसआई के पद से अलीगढ़ से रिटायर हुए थे। इनका नाम है पृथ्वी पाल सिंह सरनाथ कड़ेरा। ये लोधीपुर का रहने वाले हैं। इनके मोबाइल नंबर पर एक अजनबी मोबाइल नंबर से फोन आया और इनका OTP या खाता नंबर मालूम किया उसके द्वारा। इन्होंने अपना बता दिया, वो बताया कि आपका ट्रेजरी में कुछ पैसा कम आ रहा है। इन्होंने उसको अपना बता दिया और वो आदमी इनके खाते से 9,41,000 रुपया उसने निकाल लिया है। उनका आवेदन पत्र ले लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जल्द से जल्द इसमें देखा जाए कि कौन आदमी इस प्रकार का